अब दूसरा कॉन्सेप्ट है यहां पे अरिथमेटिक सीरीज का। अगेन वही बात है, सीरीज में क्या होता है कि आप अरिथमेटिक या कोई भी सीक्वेंस है उसके टर्म्स को आपस में ऐड कर दो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आती है एपी की, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अप टू कहां तक जाते थे ए प्लस एन माइनस वन डी। अब अगर इनके दरमियान कॉमा लगाया होगा तो वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप ऐड कर दो आपस में तो अब ये रिप्रेजेंट करेगा एक अरिथमेटिक सीरीज को। ठीक है, तो ये आपके पास जो भी मैंने लिखी हुई अरिथमेटिक सीरीज है। अब सवाल ये होता है कि अरिथमेटिक सीरीज का आपको सम निकालना होता है, ये तो सीरीज लिख दी आपने, ऐड करके कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, इसका सम क्या होगा इसका। तो उस सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से, कि जो पूरी अरिथमेटिक सीरीज है उसका सम जो है वो एस एन के बराबर है। अब सवाल ये कि एस एन निकालोगे कैसे, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है और ये बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है। मुझे नहीं पता कौन सा साइंटिस्ट है, आई थिंक गैलीलियो है या कौन है, और ये वाकई मतलब काफी ऑथेंटिक खबर है क्योंकि बहुत जगह बुक्स में हर जगह आपको आर्टिकल्स में मिलती है कि उसको ये पनिशमेंट मिली थी कि 1 से लेकर 100 तक को ऐड करो। तो उसने बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, उसने पहले 1 से लेकर 100 लिखा पूरा, फिर उल्टी गिनती लिखी और बड़े आसान तरीके से उसने ऐड कर दिया था। जैसे अगर 1 से लेकर 100 लिखूं मैं, अब ये मजे के टॉपिक है इसलिए मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों को बताऊं, और उल्टी गिनती लिखो 99, 98, up to 100 तक जाओ, सॉरी 1 तक जाओ। उसने ऑब्जर्व किया कि जब भी आप इनको ऐड कर रहे हो 101 आ रहा है, इसको ऐड करो 101, इन दोनों को ऐड करो 101, इन दोनों को ऐड करो 101, तो ये टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल 100 नंबर्स हैं ना। तो हर इनको ऐड करते जो आपके पास क्या आ रहा है 101 आता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा बात, सिंपल सी बात क्या हो जाएगी कि 100 को आप मल्टीप्लाई कर दो 101 से। खैर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बुक में लिखा हुआ है प्रूफ इसका, अगर आपको शौक हो तो पूरा प्रूफ आपको बुक में, ये जनरलाइज फॉर्म में उन्होंने पूरा लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये था कि बड़ा अच्छा फॉर्मूला उसने हमें बताया था। अब जरा उस फॉर्मूले को देख लेते हैं, इसी पूरी टेक्निक से लगा के जनरल फॉर्म में कंसिडर करते करते हमने एक फॉर्मूला बनाया है, और उस फॉर्मूले को हम लिखते किस तरीके से हैं, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये वही फॉर्मूला है जो इस पूरी डेरिवेशन से आया है, जो उसकी टेक्निक थी ना, ये उसी टेक्निक से उसने पूरा फॉर्मूला बनाया था। अब आपके लिए काफी ईजी है, मतलब आपको सीक्वेंस की पहली टर्म अगर पता है, आपको सीक्वेंस की सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस पता है, और अगर आपसे बोला जाए कि शुरू की 10 टर्म का सम निकालो, सम पूरी सीक्वेंस का तो नहीं होगा ना, वो बोलेंगे भाई क्योंकि कोई इनफिनिट सीक्वेंस है तो पूरी सीक्वेंस सम कैसे निकालोगे, शुरू की 100 टर्म का निकालो या शुरू की 1000 टर्म का निकालो, तो वो एन की वैल्यू पुट कर दोगे जितनी टर्म का आपको निकालना है, ए डी और एन की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास उस पूरी सीक्वेंस का सम आ जाएगा सीरीज का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफी यूज होने वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, ए को हम ब्रेक करके एक और एक फॉर्मूला बनाते हैं, और वो फॉर्मूला होता है ए प्लस टी एन। अच्छा, तो यहां पे मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता रहा था कि ये जो अरिथमेटिक सीरीज का मैंने जो सीरीज है उसका सम निकालने का ये भी फॉर्मूला है, और ये वाला फॉर्मूला भी आप लिखते हो। अभी इस फॉर्म में आपको नजर नहीं आता, नॉर्मली टी एन की जगह ना यहाँ पे एल लिखा हुआ होता है, तो मैंने वही बात बोली है, आप टी एन लिखो या लास्ट टर्म लिखो बात एक ही होती है, एक ही मानों में हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप इस फॉर्म में फॉर्मूला याद रखो या टी एन की फॉर्मूले में याद रखो, आपकी मर्जी है। आप इस्तेमाल कैसे करोगे यार, ये आपको अगेन वही बात है कि अगर आपको सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म पता हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म पता हो, लेट कर लो आपको शुरू की 100 टर्म का निकालना हो, तो एन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और आपको कॉमन डिफरेंस ना पता हो। ठीक है, मतलब आपको सीक्वेंस ही दी हुई, आपको बस गिवन क्या है, उस लिखा हो कि एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, शुरू की 100 टर्म का आपने निकालना है, जिसकी लास्ट टर्म जो है वो 50 है कंसिडर कर लो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए क्योंकि इसमें आपको डी नहीं पता होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे। तो जब उन्होंने लास्ट टर्म दी हुई है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, तो आपने खुद देखना है कि डेटा क्या गिवन है, उस हिसाब से आप मालूम करोगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करवा देता हूँ 6.2 में, कुछ सवाल जो एमसीक्यूज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे उन्होंने बोला हुआ फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, तो कॉन्सेप्ट इसमें ये आपको सवाल है,
तो कॉन्सेप्ट ये, जैसे पार्ट नंबर वन देखो, पार्ट नंबर वन में उन्होंने ए दिया हुआ है, मतलब एक सीक्वेंस पूरी दी हुई है ना, उसमें फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन डिफरेंस फोर है और 40 टर्म्स का आपको निकालना है, तो एन 40 के बराबर है। तीनों चीजें उस फॉर्मूले में पुट करो, आपके पास सम आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी आप पूरा देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर वन के शुरू के दो तीन पार्ट निकालना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो भी एमसीक्यूज में आता है, लेकिन वो इतना मुश्किल करके नहीं आता। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को ओवरऑल देखो ना, तो इसमें पांच कॉन्स्टेंट है, सम, नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म। तो ये पांच अननोन कह सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको कोई भी तीन अननोन गिवन होते थे, दो आप निकालते थे। दो निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, तो आपको दो इक्वेशन पता है। तो कोई भी अगर तीन गिवन हो तो आप दो इक्वेशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सवाल आ गया तो मैं आपको जरा बताता हूं किस तरह आप करोगे। देखो इसमें पुट करके सॉल्व करना आपको मसला नहीं है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स हो जाएगी। असल चीज है कि फॉर्मूला कौन सा कंसीडर करोगे, क्या डाटा होगा तो कौन सा चूज करोगे, वो जरा देख लो। लेट कर लो आपको ए पता हो, आपको एस एन पता हो, आपको एन पता हो, आपको क्या निकालना है, रिमेनिंग दो अननोन, डी निकालना है, एल निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। या एमसीक्यूज में भी आपको आसान कर दे, वो आपको जस्ट डी निकालने को बोल दें या जस्ट एल निकालने को बोल दें, तो अप्रोच देखना आपने किस तरह लगानी है। अगर आपको डी निकालने को बोला जाए तो आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे, इसमें एस एन, एन और ए की वैल्यू पुट करना, इक्वेशन को पूरा अरेंज करना जो मैंने बताया है, डी की वैल्यू आपके पास डेटा में आ जाएगी। और लेट कर लो अगर वो आपको बोलेंगे एल निकालो, तो अगेन इस वाले फॉर्मूले को कंसीडर करना, एस एन, एन, ए पुट करना और यहां से आप एल की वैल्यू निकालना। तो मेरे ख्याल में ये तो काम को इतना मुश्किल नहीं है। अब कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। लेट कर लो आपको एस एन पता हो, अच्छा एस एन पता हो, डी पता हो और एल कर लेते हैं। देखो मैंने ये बताया कि अगर आपको डी निकालना हो तो इस वाले फॉर्मूले को कंसीडर करना, क्योंकि आपको एस एन पता है, एन पता है, ए पता है, ए की अननोन बचेगा डी, उसको अरेंज करके निकाल लेना। और अगर वो आपको बोले कि एल निकालो तो इस वाले फॉर्मूले को कंसीडर करना, इसमें एस एन पता होगा, ए पता होगा, एन पता होगा, अरेंज करना आपके पास एल आ जाएगा। दूसरे वाले पे आ जाओ, इसमें आपको लेट कर लो अगर दिया हुआ है एस एन, डी और एल, और रिमेनिंग आपको लेट कर लो अगर ए निकालने को बोल दें या आपको एन निकालने को बोल दें, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर ए निकालने को बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे? अब आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है। यही चीज असल में आपको बतानी है कि आपने यूज कौन सा करना है फॉर्मूला। सबसे पहले जो डिसाइड करना है ना फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट है, पुट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इस वाले फॉर्मूले को अगर आपने कंसीडर कर लिया ना, इसमें आपको एन नहीं पता, लेट कर लो सवाल में आपको बोले कि ए निकालो, अब इस वाले फॉर्मूले से ए कैसे निकालोगे? आपको एस एन तो पता है, आपको एल भी पता है, लेकिन ए निकालने के लिए आपको एन भी पता होना चाहिए, वरना इस पूरे फॉर्मूले में एन और ए दो अननोन हो गए, तो दो अननोन एक इक्वेशन से कैसे आएंगे? तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला कंसीडर कर लिया, आपके पास ए जो है वो डायरेक्ट आ ही नहीं सकता। इसी तरह लेट कर लो अगर वो आपको एन निकालने को बोलते हैं, तो अभी भी आप इसको डायरेक्ट कंसीडर करके नहीं निकाल सकते, अगर एन निकालने जाते आपको ए नहीं पता होता, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को इग्नोर करोगे, आप इस फॉर्मूले पे आ जाओगे। अब अगर आपको ए निकालना है तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ए निकालने के लिए आपको पहले एन निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से तो आप कुछ भी नहीं निकाल सकते ना, लेकिन इस फॉर्मूले से आप पहले एन निकाल सकते हो। कैसे? आपको यहां पे एस एन पता है, आपको यहां पे एन पता होगा, अच्छा एक सेकेंड, यहां पे आपको एल नहीं पता ना, उसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, सही है। अच्छा एक और फॉर्मूला भी होता है जो मुझे बताना नहीं था, लेकिन अब मजबूरी बन गई एग्जाम्पल के मुताबिक, ये वाला फॉर्मूला भी होता है। ये फॉर्मूला जो है, ये अगर आपने देखो, ये एनएच ट्रम ही है, एनएच ट्रम को आप टीएन से भी लिख सकते हो, एनएच ट्रम को आप एल से भी लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला भी आप कंसीडर कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपने ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया हुआ होगा। तो ये हमें जरूरत पड़ क्यों रही है? जरूरत पड़ इसलिए रही है कि हमें एन और ए दोनों अननोन है और किसी भी फॉर्मूले से आप नहीं निकाल पा रहे, तो फिर ऑल्टरनेटिव ये है कि आपको यहाँ पे एल पता है, एल पुट करना, आपको डी पता है, डी पुट कर देना। इसमें भी नहीं एन पता क्या? फिर आप लंबा वाला तरीका ही है, लंबा वाला तरीका है कि इसमें आप पुट करो, एक इक्वेशन आएगी, इसमें पुट करो दूसरी इक्वेशन आएगी, सॉल्व करना आपके पास एन और ए की वैल्यू आ रही होगी, यही हाल है आपके पास।
जब आखिरी हल ये होता है कि जब आप किसी फॉर्मूले से नहीं निकाल पा रहे तो आप इसमें पुट करो, एन और ए की फॉर्म में इक्वेशन आ रही होगी, इसमें पुट करो एन और ए की फॉर्म में इक्वेशन आ रही होगी, और आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं आता, ये मैं बता सकता हूँ। ये कुछ समझ आ रही है मैं क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ या ऊपर से जा रही है दोनों के? बुक में ये वाले सिचुएशन का कोई सवाल भी नहीं था, एस एन डी एल। हाँ, बुक में तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैंने बना दिए कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बता दिए कि अगर ये मजबूरी ऐसी हो गई तो फिर आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोसेस यही होता है, जिस तरह मैं सोच रहा हूँ ना, जैसे मुझे कुछ नहीं पता था, सोच के आप देख के देख लेते हो क्या करना है इसका। मुझे पता है इजी है भाई, लेकिन तुम लोगों को ये भी चैप्टर 6 नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे नहीं आइडिया क्या तुम लोगों की सिचुएशन चल रही है अभी। तो एक सिचुएशन, अच्छा मैं एक और सिचुएशन को भी बना देता हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूले 3 ही है, इन्हीं का आपने सहारा लेना है, लेकिन कुछ कंडीशन में फिर एक फॉर्मूले से आंसर नहीं आ रहा होता तो आप दो इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे। कोई और कंडीशन लेट करते हैं कि डी ए और अब एस एन को हटा देते हैं ना, आपको पता है एन पता है, और लेट कर लो आपको बोल रहे हो कि एल निकालो। अब एल आ सकता है क्या? अगर आप ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करोगे, एल आप नहीं निकाल पाओगे। उसकी रीजन ये है कि आपको एस एन नहीं पता, तो एल कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, हाँ इस फॉर्मूले से आप एल निकाल सकते हो। आपको ए पता है, आपको एन पता है, आपको डी पता है, आप एल जो है वो आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। अब लेट कर लो अगर आपको एस एन बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट एल निकालने को ना बोले, आपको जस्ट एस एन बोल दें, क्योंकि एमसीक्यूज में थोड़ी आसानी कर सकते हैं, एक चीज बोल देंगे निकालने को, आपको एस एन बोल दिया जाए, तो अब आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला कंसीडर कर लोगे। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में देखो, इसमें एन ए डी आर है, तीनों चीजें आपको बताऊंगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे एस एन निकाल सकोगे। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए आप लोगों को आइडिया होने के लिए कि आप किस तरीके से इन फॉर्मूलों को अप्रोच करोगे। कोई भी सवाल जब आएगा, अगेन वही बात कि जैसे इस बुक में 5 पार्ट थे, मैं बुक बोलता कि इन 5 पार्ट को कर लो, फिर भी ये वाला पार्ट आपको बुक में नहीं मिलेगा। बुक में एस एन डी और एल वाला कोई भी पार्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, तब ये आपको कैसे समझ आया? देख के समझ आता है आपको। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कुछ सवाल है यहां तक तो पूछ लो। यही 3 फॉर्मूले होंगे, ये तो फॉर्मूला आपने 6.1 में पढ़ा है, बाकी कोई क्वेश्चन इसमें आता तो नहीं है एमसीक्यूज में, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं। हाँ ये आ सकता है, ये मैंने एमसीक्यूज में देखा है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है, इसमें आपको गिवन ये होता है कि देखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मेक द सम 90। आपको एक सीरीज गिवन होगी और आपको बोलेंगे बताओ कितनी नंबर ऑफ टर्म आपको चाहिए 90 सम करने के लिए। तो सीरीज बहुत ही फजूल सी लिखी हुई है, -8, -6, -4। अब आपको समझ आई होगी कि दरमियान में प्लस नहीं आ रहा, क्योंकि सब टर्म ही नेगेटिव है। सर ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे एल? यार यही तो बात बताइए कि डेटा के मुताबिक यूज करोगे। अब जैसे अगर आपको एल निकालना होता, इस फॉर्मूले को आप यूज नहीं कर पाते, कैसे यूज करते हैं? आपको एस एन नहीं पता था, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपके काम का आ गया कि आपको यहाँ पे ए डी एन पता था, आपने डायरेक्ट यहाँ से लास्ट टर्म निकाल लिया। यार ये वही तो चीज है जो आप 6.1 में निकाले। 6.1 में एनएस टर्म कैसे निकालते थे? इसी फॉर्मूले से, बस उसका नाम चेंज करके लास्ट टर्म कर दिया मैंने। मैंने पहले भी बताया था लास्ट टर्म लिखो एनएस टर्म लिखो बात एक ही होती है। तो वही कॉन्सेप्ट है जो 6.1 में आपने बहुत अच्छे वाले तरीके से किया था, बहुत बेसिक तरीके से, के ए एन डी की वैल्यू पुट करके एन एस टर्म निकाली थी। तो यार तो ये एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं और क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। अब आप लोग कहते हो कि मैं वैल्यूज पुट करके बकायदा पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, तो उतना टाइम तो नहीं है ना यार, वो तो बेसिक अलजेब्रा है। ये आप लोगों का काम है, सॉल्व करो जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो मैंने बुक को किया है। अगर किसी वैल्यू में फंस जाओ या कोई आप लोगों को आगे पीछे ना करना है, टर्म्स को ऐड वैड करना ना है, वो आप लोग पूछ लो, लेकिन इसको थोड़ा यार कोशिश करो ना, खुद करो। अच्छा तो अब ये वाला सवाल मुझे लगेगा मुश्किल है, इसी कैलकुलेशन में करवा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अब ये तो नहीं है कि हर चीज़ वही चमचा डालूंगा मैं आप लोगों में। अच्छा ये 90 लिखना नहीं चाहिए, ये सम है इसका। अब जरा मैं सवाल आपको समझा देता हूँ। सवाल ये है कि भाई आपके पास एक सीरीज गिवन है, इस सीरीज की कितनी टर्म आपको चाहिए कि जब आप उनको ऐड करो सम आपके पास 90 आ जाए। क्या मैंने बात बोली है? इस सीरीज के आपको कितनी टर्म चाहिए कि जिनको आप आपस में ऐड करो और ऐड करने के बाद रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा हो? 90 आ रहा हो। अब आपको मालूम कर रहे हैं, ये तो शुरू की 3 टर्म है ना, इनका अगर आप सम मालूम करोगे, इनका सम तो -18 आ रहा है, आपको तो 90 चाहिए। इसका मतलब काफी ज्यादा टर्म चाहिए जिनका सम
होगा तो वो 90 के बराबर होगा। कैसे पता करोगे? डेटा बना लो आप। फर्स्ट टर्म यहां पे है -8, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है ना, तो नेक्स्ट टर्म क्या है? -6 माइनस प्रीवियस टर्म क्या है? -8। तो -6 माइनस माइनस पॉजिटिव, -6 प्लस 8 2 के बराबर। तो यहां पे डिफरेंस क्या है? 2 के बराबर है। और सम जो है वो क्या गिवन था? 90 के बराबर। निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म चाहिए 90 करने के लिए। तो आप इस फॉर्मूले को कंसीडर करो जो पहला वाला है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। Sn की जगह इस फॉर्मूले में 90 पुट करो, फिर है n अपॉन 2, फिर लिखा हुआ 2a, a को 2 से मल्टीप्लाई करो -16, फिर आएगा n -1, d क्या है यहां पे 2 के बराबर है, तो d की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। अभी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देख लेना अगर कोई बहुत मुश्किल स्टेप हुआ इसके अंदर तो। ये तो खैर मुश्किल भी होगा क्योंकि इसमें अननोन है, तो देख लो वही वाली सिचुएशन है जो आपने यहां पे पढ़ी थी, कैसे निकालोगे। सॉल्व करने के लिए बेसिक बात है कि आप 2 से जान ना छोड़ाओ, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो अंदर, क्योंकि अंदर 2 कॉमन आएगा। ये -16 है, 2 को n से मल्टीप्लाई करो 2n, 2 को -1 से करो -2। अब जब एमसीक्यूज होते हैं तो स्टेप मैटर नहीं करते, आप बस जल्दी जल्दी में जो सही कर सकते हो आप कर दो। इसके अंदर -16 और -2 ये क्या हो जाएंगे? -18, और +2n जो है ये अपनी जगह पे लिखा। अब आप अंदर से 2 कॉमन ले लो अपनी आसानी के लिए। तो जब आप 2 कॉमन लोगे, पहले टर्म से क्या बचेगा? -9, और दूसरी टर्म से क्या? जस्ट आपके पास n बच जाएगा। तो आपने दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने की वजह ये थी कि आप इस तरह कैंसिल कर सकते हो। अगर आप कॉमन ना भी लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे वो 2 से पूरी डिवाइड हो रही होगी, तो फिर डिवाइड कर देना। ना डिवाइड करना चाहो तो जरूरत ही नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर है तो बड़ी वैल्यूज भी हो जाए तो आपको मसला नहीं होगा। ये बस सिंप्लीफिकेशन है पूरी। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा n, अंदर है -9 प्लस n, और यहाँ पे 90 मौजूद है। बस आपने अरेंज करना है इसको, ये हो जाएगा -9n n इंटू n n स्क्वायर। इस 90 को उठा के जब इधर लेकर आओगे, अच्छा n स्क्वायर अपनी जगह पे है, -9n अपनी जगह पे है, 90 को उठा के इधर ले आओ। अब एक और इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करो, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कैसे करना है भाई? आपके पास कैलकुलेटर है, मॉड पे जाओ 5 3, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 1 पुट करो, -9 पुट करो, -90 पुट करो। एक वैल्यू आ रही है 15, एक आ रही है -6 n, एक आ रहा है 15 और एक n आ रही है -16। मुझे बताओ -16 ये कंसीडर कर सकते हो आप? नहीं भाई, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती। तो यहां से आपको समझ आ गई कि जो पॉजिटिव वाला है ना वो आपका आंसर है। तो कितनी आपको टर्म चाहिए? टोटल इस सीक्वेंस की सीरीज की 15 टर्म चाहिए। उन 15 टर्म को जब आप ऐड करोगे तो सम आपके पास क्या आ रहा होगा? 90 के बराबर।